और आपको बता दें कि करौली हिंसा मामले को लेकर प्रशासन ने 14 अप्रैल तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। हालांकि कल कर्फ्यू में मात्र 4 घंटे की ढील दी जाएगी। सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने यह आदेश जारी किए हैं। करौली हिंसा मामले को लेकर करौली में आपको बता दें कि कर्फ्यू लगा रखा था, लेकिन कल 4 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी जाएगी। सभी प्रकार की दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता अवनीश पाराशर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, जानना चाहेंगे क्या कुछ और अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए उमंग, मैं बता दूं कि अभी जो बड़ी खबर करौली से निकल कर आ रही है वो यह है कि कल जो कर्फ्यू की अवधि है वो 14 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और कल मात्र 4 घंटे की छूट रहेगी। सुबह 6 बजे से लेकर और 10 बजे तक ही लोग अपने रोजमर्रा की सामान को खरीद सकेंगे। इसके अलावा छोटे वाहनों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, इसके अलावा नहीं दी जाएगी। इस हादसे के जो जिला मजिस्ट्रेट है राजन सिंह शेखावत, उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एक जो नई जानकारी सामने आ रही है उसमें ये आ रही है, जो 2 अप्रैल को घटना हुई थी उसकी जांच के लिए 18 और 20 अप्रैल को एक गृह विभाग से टीम भी आएगी जो यहाँ पर घटना को लेकर जांच करेगी। इसके अलावा फिलहाल यहाँ पर अफवाह का दौर भी जारी है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसके लिए कलेक्टर ने कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया है। जी उमंग जी, बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।